आरा के लोकप्रिय सांसद सह केंद्रीय ऊर्जा एवं नवीकरणीय मंत्री आरके सिंह के जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में मनाया गया। जन्म दिवस के अवसर पर विकसित भारत 2047 सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष दुर्गा राज और संचालन कार्यक्रम संयोजक सह जिला उपाध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के तैलीय चित्र पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलित और वंदे मातरम से हुई। कार्यक्रम में बतौर अतिथि विधान पार्षद अवधेश नारायण सिंह, बड़हरा विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह, विधान पार्षद जीवन कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष पाठक, जिला प्रभारी संजय कुशवाहा, पूर्व जिला प्रभारी टीएन सिंह द्वारा पूर्व सैनिक और सैनिकों की पत्नियों सहित पत्रकारों एवं वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ताओं को अंगवस्त्र और फूल माला से सम्मानित किया गया। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह दिल्ली मंत्रालय से ऑनलाइन जुड़ते हुए उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त करते नजर आए। खचाखच भरे सभागार से नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों द्वारा अपने लोकप्रिय सांसद को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गई। विकसित भारत 2047 सेमिनार को संबोधित करते हुए विधान पार्षद अवधेश नारायण सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में हमारे सांसद और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज हम ऐसे व्यक्तित्व का जन्मदिन मना रहे हैं जिन्होंने भोजपुर जिले की तस्वीर को बदल दिया। प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए टास्क को समय से पहले ही पूरा कर लेते हैं। प्रशासनिक सेवा से लेकर अभी तक उन्होंने पूरी ईमानदारी से विकास कार्य किया है। सेमिनार को प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष पाठक, जिला प्रभारी संजय कुशवाहा, पूर्व जिला प्रभारी टीएन सिंह ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प को पूरा करने में आर के सिंह जैसे मंत्रियों का बहुत बड़ा योगदान है। कार्यक्रम में हरेंद्र पांडे, सूर्यनाथ सिंह, विजय सिंह, सुषमलता मीरा, कौशल यादव, सतीश भट्ट, वंदना राजवंशी, नरेंद्र तिवारी, पूनम कुशवाहा आदि लोग मौजूद रहे। भाजपा की ओर से मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, आज इस व्यक्तित्व का हम लोग जन्म दिवस मना रहे हैं। इनको मैंने बहुत नजदीक से देखा है, एक अफसर के रूप में भी और एक सांसद के रूप में भी। हमने ये देखा है, यह व्यक्ति एक दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ, दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति के रूप में हमने उनको देखा है। उनकी ईमानदारी सर्वविदित और उनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इस जीवन में आकर के जिस कार्य के प्रति भी उनको समर्पित किया गया, जो भी कार्य उनको दिया गया, बहुत लगन के साथ, ईमानदारी के साथ उसको उन्होंने पूरा करने का काम किया। हमारे प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर पूरे देश में ही नहीं, विश्व के कई देशों में उन्होंने बिजली के मामले में बहुत एक स्वर्णिम अध्याय इस देश के लिए भी लिखा और अपने लिए भी लिखा। इसलिए हम लोग आज दल की तरफ से, और आप देख रहे हैं कि आज उनको सम्मानित करने के लिए, उन्हें आशीर्वचन देने के लिए हर वर्ग के लोग यहाँ उपस्थित हैं। इसलिए हम लोग सभी लोग मिल करके ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनको दीर्घायु करें, कि वो देश के लिए और हमारे प्रांत के लिए, खास करके जहाँ से वो सांसद है उसके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सेवा दे सकें। एक भारत में एक परिवर्तन आया, उस परिवर्तन के साक्षी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता हैं और उसमें आर के सिंह जी बिहार के हैं और यहाँ पर आरा से हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं संसदीय क्षेत्र का। तो ये से एक कर्मयोगी के रूप में उन्होंने योगदान दिया और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को के साथ सहयोग करके आगे बढ़ा रहे हैं और हमारे आरा की जनता और आरा की धरती उनके प्रति सम्मान व्यक्त करती है कि उन्होंने जिस उद्देश्य से उनका हम लोगों ने चयन किया उसकी पूर्ति हो रही है और अपना कार्यक्रम और अपनी कर्मठता के बल पर यहाँ पर एक स्थान बनाया है, पूरे भारत में बनाया है, जिस पर कि माननीय प्रधानमंत्री बहुत विश्वास करते हैं। अपने क्षेत्र में जो भी काम उनको दिया गया, चाहे बिजली का काम हो या स्किल डेवलपमेंट का, वो समय से पहले उसको पूरा कर, समय से पूरा करने का यश उनको मिला है। ऐसे आदमी के लिए, ऐसे आदमी के जन्मदिन पर मैं यही कहूँगा
सलामत रहो, हजार बरस हर बरस के दिन हो पचास। धन्यवाद। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री और हमारे प्रधानमंत्री के दाहिने हाथ जो देश के विकास में पूरी दुनिया में अपना स्थान रखने वाले प्रबंधक नेता हमारे सांसद आदरणीय आरके सिंह जी का जन्मदिन है और हम लोग आज हर एक साल की भांति 2014 में हमारे सांसद महोदय यहां से जीते और 2015 से प्रति वर्ष की तरह पूरे जिले के कोने कोने से लोग आकर इस समारोह में उपस्थित होते हैं और जहां तक आज जिला कार्यालय भारतीय जनता पार्टी के प्रांगण में उन हॉल में सेमिनार हॉल में आदरणीय दुर्गाराज जी के नेतृत्व में हम लोग आज यहां पर उनका जन्मदिन मना रहे हैं और इस जन्मदिन का मुख्य मकसद ये है कि एक सेमिनार का आयोजन किया गया है विकसित भारत 2047 विकसित भारत 2047 24 भी जो आया है तो ये चुनावी वर्ष है। हम लोग चुनाव में अभी 100 दिन बाकी है आज से 100 दिन का कार्यक्रम माननीय सांसद महोदय के लिए हर एक पंचायत में हर एक बड़े गांव में हम लोग जाकर जिन्होंने इस आज़ादी के बाद यहां भोजपुर में जो कार्य किया है जो इस भोजपुर को विकसित किया है वैसे नेता के कार्यक्रमों को हम लोग जिन्होंने ये विकास किया है इस क्षेत्र के लिए हम लोग गांव-गांव जाकर बताएंगे और यहां तक कि पूरे विश्व में उन्होंने जो बिजली के क्षेत्र में काम किया है सोलर एनर्जी के बारे में यहां तक कि भारत में जो उन्होंने बिजली के क्षेत्र में जो काम किया वो काबिले तारीफ है। आज देश में एक भी घर ऐसा नहीं है जहां पर बिजली घर में नहीं जलता हो। ये हमारे माननीय सांसद और ऊर्जा मंत्री श्री आरके सिंह जी का कार्य है। वो दिखाता है कि वो बहुत से कार्य किए हैं। हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि 2024 में यहां से कम 5 लाख मतों से वो जीतेंगे और सभी लोग कार्यकर्ता यहां तक कि जनता की आवाज है इस भोजपुर का कि हमारे नेता ऐसा आज तक न हुआ था आगे न होगा भूतो न भविष्यति ऐसे नेता के आज जन्मदिन पर बधाई और शुभकामना देते हैं।